ओबियस वेलकम टू ब्रेकिंग एनालिसिस एंड डिबेट शार्ट डी बैट टीवी में हूं प्रोफेसर शकील अब्बासी। आज 4 अप्रैल जो है 2023 है, रात के इस वक्त जो है 11:45 हुए हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है अफरात-ए-ज़र जो है और इसका हल क्या है, इन्फ्लेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो रवायती तौर पे व्यूज में आपको बताऊं कि ये सारे इससे फैमिलियर हैं कि तीन जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड बिल्ट इन जो हैं स्टेबलाइजर्स जो हैं इस इकानमी के अंदर जो होते हैं ये काम करती हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन मेरा ये दावा है कि मेरे लेक्चर इसमें मैं चूँकि मेरा खासा इस हवाले से एक्सपीरियंस है तो मेरी ये सोच है कि नॉलेज वही है कि जो आप ना सिर्फ असिमिलेट करें कि आपका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए और आपका एक इंडिजिनस सॉल्यूशन होना चाहिए। अब मुझे अमेरिका से, इंडिया से या रेस्ट ऑफ द कंट्रीज उनके सॉल्यूशन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे इन्फ्लेशन के काजेज भी डिफरेंट है। मैं फिर स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान जो है वो बात करूँगा। तो इस हवाले से मेरा ये दावा है कि 5 से 10% जो नॉलेज हैं वो जो आपको कोई भी नहीं दे रहा, किसी चैनल पे जाएं चले जाएं या और जो है बहुत सारी बुक्स पढ़ लें, मैं आपको इंडिजिनस जो है मेरी अपनी जो दिमागी जो इख्तराहात हैं, मेरी आज अपनी जो थिंकिंग है उसमें जो है इसमें भी लेक्चर में मैं इस तरह की बातें बताऊंगा। और पिछले लेक्चर उम्मीद है कि अगर आप इन डेप्थ जो है ना मसलन जो है आप इसकी डेफिनेशन तो बहुत सारी होंगी और इसकी काइंड मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो है बताई हैं। और ये मेरा ख्याल लेक्चर जो है कि किस तरह मेजरमेंट करती हैं ये एक यूनिक लेक्चर है। तो मैं उम्मीद है इस तरह के जो सारी जो इन्फ्लेशन के हवाले से मेरे दूसरे लेक्चर भी ये थोड़ी डिफरेंट है, किस हद तक डिफरेंट है आप उन्हें जो है व्यू करें, आप उन्हें यू शुड लिसन एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो है यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये इसके साथ तो बुनियादी तौर पे ये जो है यहाँ पे वो रवायती जो है वो जो बातें हम करती हैं मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी या बिल्ट इन, इनसे हट के मैं वो बात करूँगा। लेकिन मैं आपको बताता चूँ कि हमारे यहाँ ये एक ट्रेजेडी है, मैं एक रेफरेंस देता हूँ। एक हमारे एयर चीफ रहे असगर खान, जिन्होंने बाद में सियासत में भी बनाई थी, बहुत ऑनेस्ट डेडिकेटेड फोत हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, उनकी किताब है द लाइटर साइड ऑफ द पावर गेम। ये आप जरूर पढ़ें। तो इसमें इन्होंने ये लिखा है इंटरेस्टिंग, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने जो हमारे सॉल्यूशन जो है पेश करती हैं, देखें उन्होंने एक वाक्य लिखा हुआ है, वो ये वाक्य ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि अयूब खान के जमाने में ट्री प्लांटेशन मूवमेंट जो है वो मुल्क के अंदर जो चली। अयूब खान इस सिलसिले में जो है सिंध में कहीं दौरे पे थे, तो रास्ते में अचानक ही जो है ना वो वहाँ पे रोड जो है ना बहुत ज़्यादा बकरियाँ जो हैं उसका रेवड़ जो है वो आ गया। तो उन्होंने जो है वो कहा कि एक साइड पे ट्री प्लांटेशन कर रही हैं और दूसरी साइड पे ये बकरियों के रेवड़ ये तो तबाह कर जाएंगे दरख्तों को। तो फिर वो मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि बताएँगे हाँ जी क्या, उन्होंने कहा जी हो कि इसका ये सोल्यूशन उन्होंने जो निकाला कि ये जितने भी वहाँ पे आर्मी जो है वो यूज़ करती है अपने क्या नाम है जो लंगर है वहाँ पे जो वो यूज़ करती है, तो वो ये जो है लोकल जो लोग हैं इनसे ये बकरियाँ खरीदेंगे और वहाँ पे वो यूज़ हो जाएंगी, इस तरह ये बकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी और दरख्त जो हैं वो हमारे परवान चढ़ जाएंगे। अयूब खान साहब ने एक साल के बाद रिपोर्ट, उनका जी वो क्या हुआ वो ट्री प्लांटेशन के हवाले से और बकरियाँ जो हैं वो आप कह रहे थे कि इस तरह ख़त्म होगी, तो उन रिपोर्ट में ये कहा गया कि बकरियां जो है वो दुगनी हो गई। उन्होंने कहा ये किस तरह हुआ, उन्होंने कहा जब आप उसने खरीदना शुरू कर दी बकरियां जो है वो तो उनके रेट बढ़ गए हैं और जब रेट बढ़ गए तो लोगों ने और बकरियां पालना शुरू कर दी। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है कि वो दरख्त ऐसी बातें उन्होंने तबाह कर दिए होंगे। तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें एक कंट्रडिक्शन है, वो कॉम्प्रिहेंसिव जो है और मेन जो है रीज़न यही है कि ज़्यादा जो है वो लोग फॉरन से पढ़ के आती हैं, उनके लोकल जो है वो इतनी थिंकिंग नहीं है ना वो सोचते हैं, वो बेसिकली पावर शेयरिंग में आती हैं। और हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है जितने भी पॉलिसी मेकर्स आए हैं बहुत उनका एक्सपोजर था, लेकिन इंडिजिनस जो है लेवल पे जो है वो देखें कि हमारी वो प्रोग्राम या पॉलिसीज जो देती हैं जो अमली तौर पे बिल्कुल ही जो है वो उनका नेट रिजल्ट जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, एक दूसरे को वो पॉलिसीज जो है कंट्राडिक्ट कर रही होती हैं, लिहाजा मुल्क जो है ना
वो आगे नहीं चलता, वो शायर हमारे मुनीर नियाजी साहब ने कहा है, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है क्या है, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। आज भी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट वो वही हमेशा क्लेम करती है 4%, 6%, तो मेरा ख्याल है वो 1% भी नहीं होगा जो हालात जो जा रही है हमारे। तो ये जो आई मैं पहले फोरकास्ट कर चुका हूँ उससे भी नीचे चुके। तो बहरहाल मैं डायरेक्ट आता हूँ, ये सारी जहली चीज़ें होती हैं, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द लेक्चर, ये गैर ज़रूरी भी हैं लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेटरी है आपके लिए। तो मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और मैन इसी के अंदर घूमेंगे, लेकिन मैं इन एडिशन टू दैट मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि करना क्या है। जो एक स्ट्रेटेजी लोकल जो है इंडिजिनस बिल्कुल देसी जो है वोट वोट के, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। किसी भी मुल्क की जो है मर्जी बैंक की जो है जर की रसद को कंट्रोल जो है वो करने के बारे में जो पॉलिसी होती है इसे मॉनेटरी पॉलिसी और उर्दू में जरी पॉलिसी कहती है। अब मैंने आपको ये बताया कि जिस तरह हमारी बॉडी में शुगर लेवल है इसको कंट्रोल करने का तरीका यही है, एक तो अद्वियात यूज़ करें और दूसरा वर्जिश करें और खुराक कम खाएं, यही तरीका है कि वो शुगर लेवल। इसी तरह इन्फ्लेशन जो है अफराते जा रहा है उसका मतलब यह है कि जर की रसद ज़्यादा है, अगर वो कम कर दी जाए तो जो है अफरातेजार जो है लोगों के पास रकम कम होगी तो कम खर्च करेंगे, तो लिहाजा डिमांड कम होगी तो अशिया की कीमतें जो है वो गिरना शुरू कर देंगी और जो रिक्वायर्ड लेवल पे आ जाएंगी। ये ध्यान में रखें कि 2-5% ये इकानमी के लिए अच्छा है, स्पेशली 2-3%, और 5% तक भी उससे ऊपर जो जो जाता है तो ये प्रॉब्लम करता है। एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह हमारी शुगर लेवल है बॉडी में, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही डैमेज करेगी। तो ये इस वाले से ये मॉनेटरी पॉलिसी माने वो जर को किस तरह कंट्रोल करता है, अफराते जर की सूरत में जर की मिकदार को कम करता है। तो सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या उसके पास होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में उसके पास जितनी भी सिक्योरिटीज वगैरह जो होती हैं वो क्या करता है, वो उनसे जो कमर्शियल बैंक हैं जो इसके नीचे उनसे वो खरीदना शुरू कर देता है। तो वो जब खरीदता है तो वो सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है ना वो वो बेचना शुरू कर देता है। ओपन मार्केट सिक्योरिटीज जो है बेचेगा तो कमर्शियल मार्केट के पास वो सिक्योरिटीज़ वगैरह वो आ जाएंगी और पैसा जो है वो मर्जी बैंक के पास चला जाएगा, लिहाजा कमर्शियल बैंक लोगों को कर्ज कम जारी करेंगे जर की मकदार। इसी तरह फिर एक आपने सुना होगा बैंक रेट, सेंट्रल बैंक रेट जो है वो रेट है जिसपे वो तजारती बैंकों को कर्जे देता है, जो आपके जो है MCB या ABS मुख्तलिफ है शेड्यूल, ये अलग पैसा है। तो वो क्या करता है फिर उनको बैंक रेट जो है जिस तरह आजकल IMF ने कहा है 17% से बढ़ा दिया है, तो कर्जे फिर महंगे होंगे। अगर 100 के साथ 17 रुपये जो अगर आप सूद देना पड़ता है, पहले अगर 15% है तो इसका मतलब है एक बंदे ने अगर लिया है 1 लाख कर्जा तो जो है आप 2000 और उसके साथ देगा, तो वो डिस्करेज होती है लोग कि ये महंगे हो गए कर्जे, तो इसकी वजह से कर्जे कम जारी होती हैं, जर की रसद कम। इसी तरह और बहुत सारे हैं जो आपके है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के, जो हर जो आप पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है 20% या 10%, यानी 100 अगर रुपए जमा करवाती हैं तो उसमें से अगर 20% बैंक रखता है तो आप वो कहती हैं अच्छा 30% रखो, 10 रुपये और रखो। तो इसका मतलब है पहले जो है वो 80 रुपये कर्जा जारी होता था, अब 70 जो है जारी होगा, और बड़े लेवल पर देखें तो पहले 80 अरब था अब 10 अरब कम हो गया, यानी 70 अरब जारी करता है। तो ये इस तरह जो है वो कंट्रोल करता है। और एक और उसके पास ये तो क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव क्या है, मॉरल पर्सुएशन जो गवर्नर होता है वो उन्हें जो है जो अदाया जारी करता है, लेटर जो है नोटिफिकेशन करता है कि मुल्क की सूरत हाल ये है प्लीज़ कम कर्जे जारी करो, यानी रिक्वेस्ट करता है जिस तरह वो अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को या बड़े बंदे छोटों को रिक्वेस्ट करते हैं, ये मॉरल पर्सुएशन। डायरेक्ट एक्शन भी ले सकते हैं उसमें, ये क्वालिटेटिव है कि वो ब्रांचेस कुछ हैं वो जो फॉलो नहीं कर रही रूल्स उनको बंद कर सकता है, लेकिन ये शेड्यूल्ड बैंक की हद तक होता है। तो ये इस तरह की जो है रिजर्व रिक्वायरमेंट रिजर्व मार्जिन जो है जो कर्जे जारी करती है, देखिए ना आपके हिसाब से जो है वो अगर एक जो घर है उसकी जो है मालिए 1 करोड़ पे है, तो अगर वो जाके आप कर्जा लेती हैं तो उसका वो 1 करोड़ रुपये का कर्जा नहीं देगा, वो जो है 80 लाख का देगा, तो इसका मतलब 20 लाख जो है वो ये मार्जिन जो है उसने वो रखा हुआ है। और अगर जब वो कम सप्लाई होगी तो वो कहेगा ओके ये इसके क्या जो है अब वो मार्जिन यानी वो क्या वो बढ़ा देगा, वो कहेगा 20 की बजाय 30 जो है ना वो अब 70 लाख बजाय 80 लाख के जो है वो मिलेगा कम, यानी कर्जा मिलेगा उस असासे के अगेंस्ट, तो इस तरह जर की रसद कंट्रोल हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान में जो ये
ये ज़र की इतनी सप्लाई, मैंने पहले बताया कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है ज़र की, वो पहले ही बहुत ज़्यादा कंडीशनैलिटीज हैं एमएफ की, उसकी वजह से जो है अब ज़र की जो है वो है, वो मेरा ख्याल है हार्डली शायद जो इशू है 27% इंक्रीज थी जो कैपिटल में, अब वो मेरा ख्याल है हार्डली 10-12% भी नहीं रही, तो ये खासा कंट्रोल हो गया, तो ये रीज़न नहीं है, तो ये बहरहाल है। इसी तरह है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है दी पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और सप्लाई मनी, जो गवर्नमेंट की जो है ना वो किस तरह सप्लाई मनी को कंट्रोल करते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज एक्चुअली रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ ए गवर्नमेंट फॉर द इंसुइंग जो है फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के बारे में उसके अखराजात और आमदनी के बारे में जो है ये फिस्कल पॉलिसी है। तो ये फिस्कल पॉलिसी जो है वो किस तरह एक्ट करती है, ये फिस्कल पॉलिसी के जो टूल होती हैं टैक्सेस होती हैं सब्सिडी होती है और एक्सपेंडिचर जो उसके ओवरऑल होती हैं C+I+G उसको थ्रू टैक्सेस और ये सारे जो हैं इस तरह के, या ये प्रोपूअर जो प्रोग्राम जो हैं वो गवर्नमेंट के ये सारे जिस तरह बेनजीर इनकम और ये नौजवान प्रोग्राम, ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम इस तरह के जो चल रही हैं, तो ये गवर्नमेंट के जो हैं लेवल पे होती हैं। तो अब इसमें देखना है कि ये दोनों अम में साथ ये जो होती है, तो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस जो हैं वो क्या टैक्सेस तो गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत बढ़ाए हुए हैं, बिजली सीधी जो है महंगी हो गई है दूसरे सेक्टर्स में, रीज़न ये है लोग टैक्स पे नहीं करती है विजन करती हैं तो टैक्स रेट और वो सारी चीज़ें ये जो हैं वो बढ़ाती हैं। तो अब ये अब मसलन ये मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट किस तरह की होती है, लोकल होती है फॉरन होती है, फॉरन में कौन सी होती है पोर्टफोलियो होती है, पोर्टफोलियो जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो जिस तरह मैंने कहा कोई फैक्ट्री या कोई बैंक वगैरह कोई भी यहाँ पे खोलता है कोई फॉरेन नेशनल उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे, और अगर स्टॉक एक्सचेंज में जो करता है तो वो उसे हम कहेंगे ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो ये तो मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत कम होगी है, इसी तरह लोकल इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कम है। अभी टोटल जो नेशनल इनकम के जो है इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं 15% है खाली, इसको बढ़ाना किस तरह इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट को जो इकोनॉमिक जो फिस्कल पॉलिसी ये है कि टैक्सेस जो है आप कम करें, जो नए हैं जो इम्पोर्ट जो चीज़ें हो रही है जो मशीनरी हो रही है जो केमिकल्स यूज़ हो रही हैं उस पर टैक्सेस जो हैं वो कम करें तो तब ये होगा। लेकिन IMF की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से आपके कम नहीं हो रहे आपने, और वो आप ये एक जो है बहुत बड़ी हर्डल है। तो अब आपने जो है ये टैक्सेस को कम करना है और सब्सिडी जो है इन्फ्लेशन की सूरत में आपको कम करनी चाहिए, लेकिन IMF कह रहा है कि प्रो पुअर सब्सिडी जो आपकी है जिसमें बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है ये आप जारी रखें बल्कि और करें। और मैंने पहले भी बताया कि ये आटा और ये इस तरह की जो लाइनें लगी हैं ये बेसिकली उन्हीं के इशारों पे ये जो है ये काम हो रहे हैं, वो अलग बात है कि ये हमारे लिए उतनी ये मेरा ख्याल है 10 बिलियन जो है आटे की जो सब्सिडी है और 60 बिलियन और दी है और ये कंप्यूटर वगैरह इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है वो ये उसी का प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन ये सब्सिडी ऐसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने सब्सिडी जो है गवर्नमेंट विड्रा कर लेती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा जो है ये जो पॉलिसी जो है वो एंटी वो हो रही है, इसीलिए ये मैंने कहा है ना हमारी पॉलिसी जो है कंट्रो प्रोडक्टिव जो है वो साबित होती हैं, जो मकसद होता है वो बल्कि इन्फ्लेशन कम होने के वो ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी जो है ना जो टैक्सेस जो है ना ये दूसरा जो है वो टैक्सेस जो है आपके कंजम्पशन जो है ना वो इससे बढ़ता है, जब कंजम्पशन बढ़ता है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, लेकिन ये है कि कंजम्पशन यहाँ इन्फ्लेशन की सूरत में आपने कट करना है तो टैक्सेस ज़्यादा होंगे चीज़ें महंगी होंगी तो कंजम्पशन हमारा जो है वो कम हो जाएगा, इस तरह जो इन्फ्लेशन रेट जो है ये कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है और सब्सिडी जो है वो मैंने आपको जो बताया तो C+I+G कंजम्पशन जो है आम लोगों का वो जब चीज़ें वो उस पर टैक्स लगेंगे तो उनकी इनकम पे टैक्स लगेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम जो है जो दी इनकम विच वी कैन स्पेंड एज वी लाइक ठीक है उस पर पूरा राइट है तो उसमें टैक्स किसी दूसरों के दारों के हुकूक नहीं होते वो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है तो हम वो कम करते हैं। तो इसी तरह वो उसकी वजह से जो है इसका मतलब ये है कि सेविंग जो है जो आगे चल के पड़े हमारी सेविंग 11% है तो इससे जब खर्चा कम होगा तो हम बचत की तरफ जाएंगे और बचत इतना ज़रूरी है हमारे यहाँ जो सिर्फ 11% बचत है, इंडिया में 35% है और चाइना की 45% आप GDP है वो सेव करती है, इसी वजह से उन्हें कर्जे भी नहीं लेने आगे जो बात होगी क्योंकि जब गैप है एक चेनरी एंड स्ट्रॉट जो हैं ये इनका 1966 से अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है इनका मॉडल था कि जब आपकी अखराजात जो हैं वो सॉरी आपकी बचत कम होगी और अखराजात ज़्यादा हैं जिस तरह हमारी सेविंग 11% है
और इन्वेस्टमेंट 15% है, तो गैप जो दरमियान में आया, मैंने पहले भी बताया तकरीबन 500 अरब सॉरी 5,000 जो हैं अरब रुपया जो है, हमें जो है ये इस गैप को फिल करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है बाहर से ये करना पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी जो है रकम है, तो ये इसको जो है वो हम किसके थ्रू करती हैं, थ्रू टैक्सेस और थ्रू जो है वो क्या है सब्सिडीज और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो जब अफरातेजार होता है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स जो है बुनियादी तौर पर कम कर देती है। और यहाँ भी ये देखने में आया एक और जो एक नेगेटिव चीज़ है कि मैंने 2022 का जो बजट बताया $871 बिलियन है और ये जस्ट 9% है डेवलपमेंट, जिससे एक नाम है तो इसी पे कट लगता है। नॉन डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया कि उस पे जो है वो कट नहीं लगता, जो कि 700 तकरीबन क्या नाम है 7,000 जो है वो बिलियन है से ज़्यादा है वो उस पे नहीं लगता, बल्कि सॉरी 8,000 बिलियन के नॉन डेवलपमेंट है ये, तो 800 ये यानी वो 90% जो है नॉन डेवलपमेंट है उस पर कम लगता है, जो कि अपने अखराजात ये कम नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, दूसरे जो ब्यूरोक्रेसी का है तकरीबन 532 है, सब्सिडीज जो है वो जो दे रही हैं और जो सूबाई गवर्नमेंट को जो है ये तकरीबन 1200 अरब रुपया है उस बजट में। तो ये गवर्नमेंट ये कम करती है, जब कम करेगी तो सर की सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से जो है वो क्या है अफरातेजार जो है कंट्रोल हो जाता है। तो ये जो है ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। इसी तरह जो है आपके ये मैं चीदा चीदा बता रहा हूँ, साथ में और पॉइंट जो है मैंने वो ये मेंशन की है, इसकी डिटेल तो नहीं है, मैं आपको वो डिफरेंट इसीलिए मैंने कहा कि मैं डिफरेंट एंगल से डिस्कशन जो है कर रहा हूँ। तो ये आपके मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इस तरह जो है वो काम करती है। अब एक जो है इन बिल्ट क्या होती हैं कि आपका टैक्सेशन जो है, आज का जो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूशन है कि माशी तरक्की जो है ना वो जो तकसीम है आपकी जो है आमदनी की जो है जो वो मुनासिब होती जाए। ये नहीं है कि आपने तरक्की कर ली जिस तरह 60s में 22 खानदान पैदा हो गए, माशी तरक्की ग्रोथ रेट तो आई था 5% 6%, लेकिन 22 खानदान पैदा हो गए थे। तो ये आज के ज़माने में वो कहती हैं दिस इज़ नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये इसको वो रिजेक्ट करती हैं और बात भी सही है। तो इसमें बिल्ट इन का मतलब है आपका टैक्सेशन स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये रिग्रेसिव है प्रोग्रेसिव है या क्या है। ये प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव का मतलब है जो जो इनकम लेवल आपका बढ़ता जाता है रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है जो जो आमदनी बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ेंगे, तो आपकी MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो आपकी वो क्या है वो उस वाले से कम होती जाएगी। यानी जब खर्च कम करेंगे तो बचत ज़्यादा करेंगे, मैंने जो अभी वो जो बात की है वो ये बिल्ट इन है। लेकिन हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो है वो अपरेंटली तो प्रोग्रेसिव है, लेकिन ये जो जो कि नंबर ऑफ टैक्सेस जो मैंने पहले भी बताया कि लेबर कार्ड जो है ना इब्ने खुल्दून की ने जो है जो कॉन्सेप्ट जो दिया था कि आपके नंबर ऑफ टैक्सेस और रेट ऑफ टैक्सेस जो जो बढ़ते जाती हैं खास लेवल तक तो इनकम में इजाफा होगा, उसके बाद इनकम में इजाफा नहीं होगा। और पाकिस्तान इसी फेज से जो है वो गुजर रहा है, यही जो है इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो है इन बिल्ट जो है ना इसी तरह वो ये बार हमने रखा ना शार्ट इतना काफ़ी है, मैं चूँकि टाइम काफ़ी जो लेक्चर लेंथी हो सारी हो जाते हैं। तो ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट और ये सारी जो है वो MPC किस तरह अफेक्ट कर दी है। अब इससे हटके जो है ना वो हमने क्या कर रहे हैं, वो है वो हमारे यहाँ मैंने आपको बताया कि स्मगलिंग हो रही है, उनके अंदर भी $9 बिलियन और मुंह से बाहर भी 3-4 बिलियन जो है। और ये जो बाहर की जो है अंदर वाली जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रिपोर्ट है, लेकिन बाहर की कोई मुझे ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली, ये 3 जो बता रही हैं ये इससे कहीं ज़्यादा है। चूँकि हमारे यहाँ चीनी, मैंने पहले कई दा जिक्र किया है, चीनी सीमेंट और ये सारे बहुत पावरफुल अदारे भी हैं, ये बहुत पुराने जो इन्वेस्टर वही जो 22 खानदान थे, इन्हीं की जो है वो बैंक से फॉरन में और इन्हीं की ये जो है स्टॉक मार्केट में इनकी इन्वेस्टमेंट है, यही इनमें से अक्सर जो है यही डॉलर खरीदती हैं, ये हर फील्ड में जो है ये यही एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है किसानों का भी इस्तेमाल करती हैं, यही इनके मिल्क प्लांट्स हैं, ये इनके तो ये पोल्ट्री फार्म का काम करते हैं। तो ये वही 22 खानदान जो हैं वो जो थे आज शायद 122 हो गए हों, आज जो इनकम इनक्वालिटी पाकिस्तान में और ज़्यादा जो हैं बढ़ गई है, 1% जो है मेरे ख्याल जो ऑफ द पॉपुलेशन जो हैं वो 22% जो हैं वो जो असासे पाकिस्तान के उनके पास हैं। तो ये बहुत गंभीर सूरत हाल है। तो ये स्मगलिंग को जो है स्मगलिंग को रोकने का एक इकोनॉमिक्स का तरीका जो मैंने अभी बताया, टैक्सेस लगाने का, टैक्स जो है वो क्या है किस तरह के, आप एक तो पहली ये बात है कि ये
बायर्स जो हैं चीज़ें जो हैं आप उनको बैन कर देंगे, ये आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जो शार्ट टर्म के अंदर। एक ये तरीका आज के ज़माने में चूँकि WTO के आप मेंबर हैं तो ये शायद पास है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह करें कि वो जो चीज़ जो स्मगल हो रही है आपके मुल्क से बाहर जा रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी प्राइस दूसरे ममालिक में ज़्यादा है, तो उसको जो है इंटरनेशनल लेवल तक करने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी प्राइस जो है उस लेवल पर, अगर सीमेंट यहाँ पे 100 रुपये है और कजाकिस्तान में जाके सपोज या अफगानिस्तान में जाके वहाँ बोरी जो है वो अगर बिक रहा है 200, तो डेफिनेटली जो है यहाँ से स्मगलर्स जो है उधर स्मगल करेंगे। तो इसे जो है तो रेट अगर वो वहाँ पे 120 है या 30 है तो फिर जो है स्मगलिंग रुक जाएगी। तो ये टैक्सीज जो है वो लगाई जाती हैं और ये, लेकिन आजकल ये ऑप्शन भी WTO और ये, लेकिन ये स्मगलिंग को आप इस तरह जो है वो इनडायरेक्टली, बहरहाल एक लिमिट है WTO की भी कि 5% 10% बस 20% आप वो कर सकती हैं। तो ये अकॉर्डिंगली देख के तो आपको ये करना पड़ेगा स्मगलिंग को रोकने के लिए। दूसरा साथ ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं कि जो बॉर्डर पे हमारे जो हैं जो पाकिस्तानी हैं जिनकी ड्यूटी है वहाँ पे स्मगलिंग रोकना, उनको वाच करना पड़ेगा, वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं और वो स्मगलिंग। अब देखें यहाँ पे कुर्बानी के जानवर इंडिया से आ जाते हैं, हम कहते हैं इनके साथ तजारत नहीं करनी, जायज़ तरीके से नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली यहाँ पे मेडिसिन, यहाँ पे गारमेंट्स, यहाँ पे बुक्स, यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स इंडिया से ही आ रही हैं। अब सिर्फ इतना किया जा रहा है कि मेड इन चाइना की बजाय मेड इन इंडिया लिखा होता है और हमारे लोग भी शामिल हैं और उनके जो जाहिर सी बात है उनकी तो इकानमी को बूस्ट मिल रहा है, वहाँ से वो जो सरप्लस जो है वो इधर वो भेज देती हैं। तो ये जो इसको रोकने का एक जो है ये कि बॉर्डर पर जो हमारे लोग हैं वो जो हैं ऑनेस्ट और डेडिकेटेड और उनकी एजुकेशन कि इससे कितना नुकसान होता है ये, और उनका ख्याल रखा जाए कि वो अगर कोई इनकम उनको कम है या हार्ड एरिया अलाउंस है वो बढ़ा दे ताकि ये लोग जो है ना उनकी एक एजुकेशन की जाए, उनके जो है वो अगर कोई जाहिर सी बात है वो कोशिश करती हैं कि इनसिक्योर फील करती हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी है, टफ टाइम है, तो जाहिर सी बात है उनकी वो कंपनसेशन जो है फाइनेंशियल लीगल वे से की जाए ताकि स्मगलिंग जो है वो ये जो फेंसिंग जो की हुई है इसको मज़ीद जो है बेहतर किया जाए। तो ये इस तरह के करेंगे तो स्मगलिंग अगर रुकेगी तो ये हमारी चीज़ें जो यहाँ पे जो शार्ट हो रही हैं, जो सीमेंट है, टाइलें हैं, दूसरी हैं यानी सिरामिक्स का सामान है और दूसरी जो चीज़ें वहाँ पे जा रही हैं, ये इनकी कीमतें जो हैं खातर खा जो हैं वो कम हो जाएंगी। एक और जो है वो है वो पॉपुलेशन, अब जाहिर सी बात है पॉपुलेशन पे टैक्स वगैरह तो नहीं लगाएंगे, लेकिन लोगों को हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.98% जो है इकोनॉमिक सर्वे में 2022 में जो है वो बताया गया है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, वो बहुत सारे स्टेप से है वो उन्हें शो करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ममालिक के लोग यहाँ फ्रीक्वेंट उनकी जो है मूवमेंट होती है उनको भी शामिल किया जाए, ये ग्रोथ रेट 3% से जो है ये ज़्यादा है और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ग्रोथ एवरेज यही रहती है तकरीबन 3%, बाज़ अवकात वो मसलन 2019 में या 20 में जो है अभी 6% हुआ है, नहीं तो 3% ही रहा है 4%। तो ये सारी आबादी जितनी भी हम चीज़ें तैयार करती हैं वो हार्डली उनको पूरी होती हैं बल्कि शार्ट होती हैं, मैंने पहले भी बताया, उसी वजह से तो अफराते ज़र होता है। तो आबादी को कंट्रोल किया जाए और आबादी के बारे में प्लानिंग की जाए, दो बातें हैं, कंट्रोल किया जाए और दूसरा जो है वो प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, कंट्रोल आबादी तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, वो तो आबादी तो और गुर्बत में ज़्यादा गरीबों के ज़्यादा बच्चे होती हैं जो कि और एक्टिविटी कोई नहीं होती, यही बच्चे पैदा करने की एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ, या गंदम वो पैदा होती थी या तो जो बच्चे पैदा होती हैं। तो आप ये इस आबादी को कंट्रोल करने का एक जो तरीका है लोगों को एजुकेट किया जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। उससे ज़्यादा जो है ना इनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी मैं कहीं और बताऊँगा कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत बड़ा जो है ये नुकसान कर रहे हैं और बहुत ये दे आर नेग्लिजेंट ऑफ द करंट फिनोमेना और जो करंट जो इश्यूज हैं ये फ्यूचर में बहुत बड़े इश्यूज बनेंगे। मतलब हमारे यहाँ मैन पावर वो कहते हैं कि 60% जो 15 से 65 साल की उम्र में और 15 से 40 का ये तकरीबन 50-49% ये नहीं बनती हैं। तो ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, चाइना ने और कोरिया ने इसी चीप लेबर को जो यूज़ किया है लो कास्ट प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो भेजी हैं और जो है वो आगे निकल गए हैं। तो वो अब उनके साथ कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। अमेरिकन इकानमी में मेरे ख्याल है 12 से 15% उनका शेयर हो गया है, उनके पास 3 ट्रिलियन से ज़्यादा रिजर्व्स है, उनकी एक्सपोर्ट्स जो है उन देखें इम्पोर्ट देखें, तो ये सारा जो है ये जो पॉपुलेशन के बारे में यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना पड़ेगी, बच्चे कंट्रोल करने से ज़्यादा ये है कि चैनलाइज करें उन्हें प्रोडक्टिव। मैंने पहले भी बताया कि
1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो जॉब लॉस हैं, बल्कि यहाँ पे ट्रेजेडी ये है कि एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, मैंने कहा 50 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स जो हैं वो इसी तरह जो हैं, इससे ज्यादा जो है 70-80 डॉक्टर जो हैं वो हमारे जो हैं वो जॉब लॉस हैं, बाहर जो हैं वो बैठे हुए हैं, बाहर जाते हैं बेचारे वो, लेकिन ये है कि बाहर वो ठीक है, फॉरन रेमिटेंसीज तो आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है इसीलिए जो है एक डॉक्टर जो है तकरीबन 1200 या 1400 जो है पेशेंट को देख रहा है, और वो आपने देखा है कि इसी वैसे जो क्वैक्स है या दूसरे जो लोग हैं नीम हकीम जो हैं वो काम, तो ये उस वाले से जो है ये इनको प्रोडक्टिविटी की तरफ जो है उसी तरह जिस तरह चाइना है या कोरिया जो है वो हम लगे हुए हैं कि फिश खा रही हैं या सी फूड खा रही हैं या उनके गलत काम, वो कुत्ते खा रहे हैं उस साइड पर जा रहे हैं, उस साइड पर नहीं, जो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया है वो अगर किया जाए तो ये मेरा ख्याल है वो आबादी जो खाने वाली है वो अब कमाने वाली होगी, वो प्रोड्यूस करने वाली होगी, और इस तरह जो है आपकी जो है जो पैदावार में इजाफा होगा, आबादी जितनी भी हो। चाइना ने शो किया है कि आबादी मैटर नहीं करती, बल्कि मैटर ये करती है कि उसको आप किस तरह यूज़ करती हैं, और ये मेरी गल है कि उनको जो है इतना खाना जो है वो अगर किसी और, मतलब मैं समझता हूँ कि यूरोपीय कंट्री में भी इतनी आबादी होती थी, आबादी तो वो फैमिन की वजह से और ड्यू टू शार्टेज ऑफ फूड जो है वो शायद अंगर एंड स्टारवेशन की वजह से जो है वो फ़र्क हो जाती, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं इसका जो है, और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया में जो है जो हर बच्चा जो एक मुंह लेके आता है और दो हाथ, एंड टू हैंड्स आर सफिशिएंट टू फीड वन माउथ, और बड़ा उनका अच्छा जो कॉन्सेप्ट है, तो इस वाले से हमें जो है ये इस पर करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपका है प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन पे जो है वो हमें जो है फोकस करना चाहिए, हमारे यहाँ प्रोडक्शन की बजाय जो है ट्रेडिंग पे है, मतलब हम प्रोड्यूस करें, मतलब हमारे यहाँ स्ट्रेटजी जो ये है कि हम वीट भी इंपोर्ट कर रही हैं, हालांकि सब सेल्फ सफिशिएंट, रीज़न ये है कि हमारे जो फ्लड्स हैं जो कैलेमिटीज़ हैं उनको जो है मीट मुख्तलि डिपार्टमेंट उस तरह काम नहीं करते या उस पर खर्चा नहीं करते, जब सैलाब आ जाता है लॉस हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मास वाय बैठ के रोएं, और हमारा जीडीपी जो है ना, देखें प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन का ही नाम तो क्या कहते हैं उसका नाम, जीडीपी क्या है, गुड्स एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वन ईयर जो है वो उनकी जो उसको कहती हैं जीडीपी है ना, उसकी वैल्यू मालूम कर लेती हैं, तो जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपका दूसरे सर्विसेज सेक्टर है, इनमें ग्रोथ आएगी तो प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी और वो आपकी पॉपुलेशन से ही बढ़ेगी, तो हमें जो है बुनियादी तौर पे फोकस करना चाहिए कि प्रोडक्शन किस तरह हमारी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, चीज़ें जब वो होंगी, कौन सी चीज़ें शॉर्ट हैं हमारे यहाँ, देखें खाने पीने की चीज़ें शॉर्ट हैं, ये ट्रेजेडी है 7 न्यूक्लियर पावर और वो हमारे यहाँ खाना ही नहीं पूरा हो रहा, हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन सफिशियंट हैं हमारे यहाँ, और जो है वो सारी मोबाइल फ़ोन के साथ मोटरसाइकिल और ये चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ें जो है वो शार्ट है, दूध मिल्क प्रोडक्शन में पता नहीं ये डाटा भी किस तरह का है हमारा कि 5वें नंबर पे है, लेकिन दूध खालस किसी को भी नहीं मिल रहा, दूध तो हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, और हमारे यहाँ जो 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 भैंस है इसे वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक गोल्ड कहा है इतना दूध, लेकिन हम जो है वो पता नहीं क्या करती हैं हमारी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, तो प्रोडक्शन को जो है वो प्रमोट किया जाए, राइट फ्रॉम स्कूल जो है या जो है हर मतलब उसमें जो है आप इजाफा करेंगे, चावल है पिछले साल से, लेकिन हमारी मैंने जो डाटा देखा है पाकिस्तान इकानमी का, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, हमारी मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन जो पर यूनिट जो है ना उसकी जो क्रॉप एरिया बढ़ता जा रहा है, और प्रोडक्शन हमारी जो है वो उस तरह जो है वो प्रोपोर्शनेट नहीं इंक्रीज नहीं है उसमें, यानी जितना एरिया हम बढ़ा रही हैं उतनी हमारी पैदावार, रीज़न ये है हमारे सीड्स मसलन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है जो जो गन्ना है वो बहुत ही लो क्वालिटी का, यही ब्राज़ील में उसकी उसका शक्कर जो है जिसे मिठास कहती हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसमें मेरा ख्याल 10% है उसमें 60% है, और वो एथेनॉल जो है वो वहाँ से तो अब वो पेट्रोल में मिला के तो वो गाड़ियाँ चला रही हैं उससे, तो इससे ज़ैली इंडस्ट्रियाँ भी हैं, ये इसी तरह हमारे यहाँ इसी तरह राइस का जो है वो किसी ज़माने में वो कहते थे ये इरी है और ये फला फला नई वराइटीज़, और वो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है मुख्तलिफ फैसलाबाद वगैरह उनकी जो है रिसर्च को अप्लाई नहीं किया जा रहा है, इसी तरह हमारी जो है जो आपकी प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में टेक्सटाइल मिल है उसकी प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्टिविटी उस उनको जो है वो हमारी 6 यूनिट होते जा रही हैं, बिजली जो महंगी है तो उनके ये इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस अगर करें तो कोई वजह नहीं है,
सर्विसेज सेक्टर जो है हमारा खासा फैल रहा है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस की वजह से, लेकिन दो बाइकियाँ चला रही हैं, उबर क्रीम चला रही हैं, डिलीवरी बॉयज जो हैं वो हैं, तो इस तरह की सर्विसेज हमारी खासे लोगों को जॉब जो है मिली है ये जो इन कामों से आईटी जो है वो कॉमर्स प्रमोट हुई है, घर बैठे जूते मंगवाएं, मोबाइल फोन बनाएं और वो फर्नीचर मंगवाएं, तो ये जो है प्रोडक्टिविटी, लेकिन ये बायस्ड है, उसको हमने बैलेंस करना है। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट आपका जो है वो किस में है, फर्नीचर में है, और किस में हमें आगे चल के भी फिर मैं बताऊँगा, तो ये प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे तो शार्ट नहीं होगी। हमारे यहाँ गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं कि प्रोडक्शन कम हो गई है, क्यों कम हुई है, वही बिजली क्राइसिस है, क्यों कम हुई है, भाई टैक्स बहुत ज़्यादा लगा, क्यों है इम्पोर्ट जो है वो कम, तो ये जो है चीज़ें जो है इनको अगर नीचे लेके आना है, और गंदम अगर जो है वो ज़्यादा मकदार हो तो वो जो स्पॉट प्राइस है जो गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है वो स्पॉट प्राइस जो है हाई होगी, इनकरेज होंगे, मुनाफा होगा फार्मर्स को, तो वो ज़्यादा जो है वो ग्रो करेंगे। तो इसी तरह एक और जो चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है फराते सर को, वो डॉक्यूमेंटेशन है। हमारे यहाँ लोग जो जिनके पास पैसा है, अरबों रुपये डेली मार्केट में देखें, बड़ी जो है और होलसेल मार्केट्स में देखें, वो पैसा जो है वो अपने पास जो है घरों में बैंकों में नहीं रखते, और अगर रखते भी हैं तो ऐसी इस तरह रखते हैं कि वो शो नहीं होता कि हाँ जी ये बड़े गरीब लोग हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हर ट्रांजेक्शन, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, एक एक घर जो है इस्लामाबाद में, लाहौर में, ये मेरा ख्याल 3 करोड़ पे से कम का नहीं है, तो वो डील करवाती हैं, उसमें से 5% कमीशन लेती हैं वो, 40 लाख 4 लाख और खासे वो करती हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल ये मौजूदा गवर्नमेंट ने ये कुछ किया है, लेकिन वो एजिटेट करती हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि कहाँ से यानी पैसा आया है, यानी बैंक के लीगल वे से होनी चाहिए, ये गाड़ी ली है तो कहाँ सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जो किसको दिया है वो आगे सारा चैन, यानी मनी ट्रेल जिसे कहती हैं, वो हमारे यहाँ जो है वो तभी आएगी कि डॉक्यूमेंटेशन होगी और हमें पता होगा। फिर ये भी है कि किस फैक्ट्री की कितनी प्रोडक्शन है, कितनी सीमेंट से तैयार की है, किधर गया है, कितना स्मगल हुआ है, सारा डाटा होगा तो चीज़ें शार्ट नहीं होंगी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है, उसको स्कूल कितने खुली हैं, कितनी कैपेसिटी है, आइंदा कितनी ज़रूरी है, वीट कितनी, हमारी आबादी कितनी होगी, तो ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, सारा डाटा स्टैटिस्टिक्स। अब भी आप किसी के पास जाएंगे, अगर होता भी है तो वो छुपा लेती हैं, बिल्कुल ये ओपन होना चाहिए। उनकी वेबसाइट भी हमारी जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनके, या कोई फैक्ट्री जो हैं वो आप इंफॉर्मेशन उनके पास कोई नहीं है, रेवेन्यूज कितने, एक्सपेंडिचर्स कहाँ से, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो ये है नेक्स्ट जो है वो हमारे सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी किस चीज़, वो चीज़ें जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया 7,000 से जो अरब रुपए से ज़्यादा हमारा जो है वो इम्पोर्ट बिल जो है वो किसका, खाने पीने का तेल है और दूसरा जो मिनरल जो है ऑयल जो है इस पे अखराजात हो जाती हैं। 600 अरब रुपए से ज़्यादा तो ये ऑयल जो है मुख्तलिफ जो मिल रहे हैं कहाँ से, मलाशिया से ज़्यादा जो है वो आता है। तो हमें जो है ये सेल्फ सफिशिएंसी, सोयाबीन जो है जिस तरह हमारा वो सनफ्लावर है, हमारे पास ज़मीन जो है अभी तक 40% जो है टोटल अरेबल जो काबिल काज ज़मीन है उसको उसमें ले गया है। तो ये अगर सेल्फ सफिशिएंसी, वो चीज़ें जो यहाँ पे बस ना, हमारी केमिकल जो है सारे जो है यूरोप से आ रही है तकरीबन, इसी तरह हमारी सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो हो सकती है, जिस तरह हमारा 70% कोल, हमारा अपना जो है कोल वो यूज़ नहीं कर रहे एनर्जी प्रोड्यूस करने में, हम सोलर की तरफ जाएंगे, तो ये सेल्फ सफिशिएंसी आएगी कि हमारी डिपेंडेंसी जो है ना बाहर के मालिक पे ना हो, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें या बेसिक नीड्स भी, हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है इन टर्म ऑफ इनपुट्स जो हैं, जिस तरह मैंने बताया केमिकल्स के बगैर तो कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आपकी दूध की इंडस्ट्री है, बिस्किट की है, सारी जितनी भी इंडस्ट्री है ये सारे केमिकल बाहर से आएंगे, अगर नहीं आएंगे किसी वजह से या महंगे होंगे तो ये भी चीज़ें महंगा होने शुरू होगी, तो सेल्फ सफिशिएंसी होगी तो आप क्या होगा, बाहर से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आपके मुल्क में नहीं आएगा, तो वो जो आता है गैस महंगी है, वो पेट्रोल महंगा है, तो ये जो है हमें एक और चीज़ पे जो है ना वो फोकस करना चाहिए कि हमारे जो है कर्जे इतने ज़्यादा हो गए हैं, मैंने पहले भी बताया कि 130 बिलियन ये अब हर रोज़ बढ़ती हैं, ये 27 थे मेरे ख्याल, अब डाटा आ रहा है 140 बिलियन जो है डॉलर है, कुछ लोकल हैं कुछ बाहर के हैं, बाहर के मेरे ख्याल 86 बिलियन डॉलर हैं, और इस पर जो है हमें तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर ये जो है हमें सूद अदा करना पड़ता है, और तो छोड़ें जो फॉरेन डेट पे जो है,
तो ये हमें ये इसको उसकी बजाय हमें फॉरन एड की बजाय जो है फॉरन ट्रेड पे जो है फोकस करना चाहिए। और ट्रेड उसी वक्त होगा, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सरप्लस होगा हमारे पास, और वो हम चीज़ें जो हैं दुनिया को भेज के, और हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग गुड्स का हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है, यंग जनरेशन बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसको यूटिलाइज हमारे यहाँ 135 मेरा ख्याल है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं, उनसे नई नई चीज़ें जो हैं बनवा के जो हैं वो आप इंटरनेशनल मार्केट में, जिस तरह चाइना ने किया है, कोरिया ने किया है, दूसरे वो वाले कर रही हैं, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया। मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद शर्मिंदा होता हूँ कि काटन जो है वो हम कहते थे काटन काटन, चाइना का इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान से ज़्यादा शेयर हो गया है काटन का, और यहाँ पर भी उनकी काटन जो है वो बिक रही है। तो ये ट्रेड पे फोकस करें, ट्रेड को नई नई चीज़ें लेके आए, ये वही काटन काटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं उसमें उसमें आप जो हैं वो ये मोबाइल फ़ोन है, कैमरे हैं, जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, ये इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जो जाएँ आप, अल्ट्रासाउंड जो है, मेडिकल के इक्विपमेंट हैं, एक जो है यहाँ पे EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बनाई है, और उस पर वो कह रहे थे कि नस ने बड़ा कारनामा, ये दूसरी चीज़ें जो है इन पे आए जिनकी ज़रूरत है, और वो चीज़ें जो लेटेस्ट जो हैं जिस तरह कंप्यूटर पे या IT, ये जो मॉडर्न जो जिनकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, मसलन फ्यूल एफिशिएंट कार्स जो हैं, सोलर कार, इलेक्ट्रिक कार, उन पे जो है उससे भी एडवांस जो हैं वो जो चीज़ें हैं उन पे आए, तो वो मेरे ख्याल है आप वो गैप पुरानी चीज़ों में तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये आपका एक जो है हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो है वो है, वो हमें जो चैरिटी है हमारे पास रिसोर्सिस डिप्लीट चैरिटी जो है इसको स्ट्रीम लाइन करना चाहिए। 97% मुस्लिम्स हैं और वो ऑफिशियल अकाउंट में तो ना उशर दे रहे हैं, और ज़कात भी थोड़ी सी है, और वो बजट का हिस्सा नहीं होती, ये ज़हन में रखें। तो इसको हम जो है किस तरह, बहुत सारे लोग हैं रमज़ान मुबारक का आजकल देखा है तो वो हर जगह पे वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार एक ही फैमिली जो है ना वो उसी को दे रहे हैं या दो, मतलब है कोई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। इस सिलसिले में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो 51 से 60% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिसे हम कहते हैं मिस्कीन जो लोग हैं, जो मुंह से नहीं फूटेंगे, नहीं कहेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हाथ नहीं बुलाएंगे, वो मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, बच्चों को मार देंगे, ये वो लोग हैं जो जो डिग्निटी और ग्रेस पे जो हैं वो बिलीव करने वाले हैं। तो इन तक एक्सेस के, तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि जितने ये चैरिटी हैं जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, या जितने भी और दूसरे हमारे इदारे हैं, चीपा है, दी है, ये है, सारा वाली हैं, SUIT है, ये सारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग हेल्प आउट करती हैं, लेकिन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो मैं इस वाले से ये कहूँगा कि ये अगर जो है यही इंडस्ट्री जो इदारे लगा के इन्हें इन लोगों को जो है जाल दे, चूँकि बुनियादी मकसद जो है ज़कात का, कुरान पाक में 8 जो है मसारे जो हैं जो है इट हेड ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैव बीन मेंशन्ड, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह ताला ने खुद जो है कुरान पाक में ये 8 जो है मसारे जो हैं वो बयान की, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका बुनियादी मकसद ये भी कहा है कि ये इनको आप आदि जो हैं मांगने वाले ना बनाएं, प्रोफेशनल जो हैं बैगर्स ना बनाएं, बल्कि इनकी रिहेबिलिटेशन तभी होगी, ये जितने भी अरब रुपये जो हैं वो ये इकट्ठी होती हैं ज़कात से, उशर से, और दूसरी जो चैरिटी इस तरह की, कोई ऐसे तरह की जो NGOs हैं उनको इन्वॉल्व करें, जो कामयाब तरीन हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जिनका ट्रस्ट है, जिन पे लोगों का ट्रस्ट है, यदि है ये दूसरे हैं, ये जो जिन्होंने काम किए हैं, इनको जो है ये इनके थ्रू जो है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं, कोई मसलन ट्रांसपोर्ट सर्विस है, कोई ख्वातीन के लिए कोई एम्ब्रॉयडरी की क्लासेस हैं, या घर में बैठ के कोई पैकिंग की है, कोई और है जिस तरह ग्रामीण बैंक जो है बांग्लादेश वालों ने वो किया है कि वहाँ टेलीफोन कंपनीज और वो दूसरी की सारी छोटी जो है कॉटेज इंडस्ट्री है उसको प्रमोट, इसके थ्रू जो है वहाँ पर उन्हें जॉब दें ताकि वो प्रोडक्शन हो। वो तो आप उनकी डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ा रही हैं, वो तो आप लंगर खाने और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो हैं खोल के हर चौक में शहरों के अंदर जो है ना लोग देहात से वो सिर्फ खाना खाने आ रही हैं, तो वो आप जो हैं वो आप क्या कर रही हैं, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है, ये जो माजूर जो अफराद जो हैं आप बढ़ा रही हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रही हैं। तो इस वाले से करेंगे प्रोडक्शन आएगी, लोग जनरेट करेंगे, इनकम करेंगे, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, और अफराते ज़ार भी जो है वो आपका होगा। तो ये मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं नॉन ट्रेडिशनल जो है आपको चीज़ें जो हैं वो एक जो है मैंने आपको बताया कि अफराते ज़ार में बुनियादी जो है वजह पाकिस्तान में क्या है, कार्टेल्स बनी हुई हैं,
ये लोग जो है मिलके फैक्ट्रियों के मालिक जो है, हमारे यहाँ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, अगर 32 हैं, घी इंडस्ट्री है, तो उनके सबके रेट जो है ना वो तकरीबन एक मिलते जुलती हैं, कोई 10-20 रुपए जो है वो कम बेश होंगे। सीमेंट में तो बिल्कुल वो होती हैं, शायद उसमें भी 2-4 रुपए का फर्क हो। तो ये शुगर इंडस्ट्री है, ये कार्टेल की बेहतरीन मसाले हैं, बैंक्स हैं, इंटरेस्ट रेट इनका एक ही होता है, हालांकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। ये सही सूदी निज़ाम है, ये अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, चाइना में तो बैंक्स वालों ने इतने कर्जे दिए हैं कि वहाँ पे फ्लैट जो हैं वो वाफर तादाद में जो हैं वो मौजूद हैं, सरप्लस हो गया उनका। तो हमारे यहाँ जो है ये सारी ये रिजोल्यूशन ऑफ कार्टेल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको जो है रीवैम्प करना चाहिए, रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसकी सेक्शन चेंज करनी चाहिए, और उनकी उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की उनकी रिकमेंडेशन जो है उसकी बेस पे जो है वो उन्हें सील कर सकें या जो भी कर सकें। तो ये आपके इवन जो कैपिटल के इर्द गिर्द जो हैं, कई जो हैं आपके जो सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं वो सुनती ही नहीं है, ये राइट फ्रॉम वाफ फैक्ट्री, और ये यहाँ पे बहुत सारे नाम लूँगा तो शायद कोई आप लोग समझते ही नहीं है कि क्या है हमारे मुल्क में। तो रेजोल्यूशन ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आए, इनको क्लोजली जो है वो वाच करें, और CCP जो है रेट जो है वो इनके जो है मुकर्रर करने चाहिए, तो ये अपनी मर्जी से मुकर्रर ना करें। ये प्रोडक्शन कम करके शार्ट करके वही बैग जो है, जो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करते फुल कैपेसिटी पर रन नहीं करते, अगर इनका जो है बैग जो है 1 लाख बैग जो है एक दिन में, तो वो 1 लाख की बजाय जो है वो कहती हैं ओके हम जो है ये 50,000 जो है बनाएंगे, 50,000 नहीं बनाती, और उसके रेट जब शार्ट होंगे तो बढ़ेंगे, तो वहाँ से मुनाफा कमाती हैं। ये इनकी सोच जो है वो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि बड़े बड़े ये जो टेक जो आपके आउटलेट्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, मसलन मैं आपको बताऊँ सुजुकी कंपनी है, तो नई गाड़ी बेच रही है तो उसके साथ स्टेपनी नहीं दे रही, 5 अरब जो है 2021-22 का उनका मुनाफा है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस। तो ये जो है उसके ये हमारी जो सोच है हमारी इंडस्ट्रीज की, मैं बाद में कहीं लेक्चर इस पर भी दूंगा कि हमारी इंडस्ट्री का असल इशू क्या है। तो आगे जो है एक और जो चीज़ है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करनी चाहिए। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है, और इन एकेडमी में जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ये और ये कोऑर्डिनेट करती हैं। एक जो है डेप्टी कमिश्नर जो है उस जो है जो डिस्ट्रिक्ट में उसके जो है हुक्म के बगैर चिड़ी भी पार नहीं मार सकती, लेकिन ये चूँकि एक तो इनकी विजिलेंस ये इतना नहीं लेती, ये पब्लिक सर्वेंट, ये सैयदुल कौम खादिम, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है, लेकिन ये जो हैं ये मास्टर्स हैं, दे आर नॉट सर्वेंट्स, दे आर मास्टर्स, वो इंजॉय करती हैं। वो एक सौ सौ के कनाल ऐसे भी हैं केसेस जो हैं वो ये जो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर जो हैं उनका घर है वहाँ पे, 100 कनाल में वो क्या कर रही हैं जो हैं वो इंजॉय कर रही हैं, और वहाँ उनके पास जो हैं जो अगर उन्हें ऑफिशियली 4 बंदे अलाउड हैं तो वहाँ पे 20-25 बंदे प्राइवेट सेक्टर के जो प्रॉपर्ट डीलर्स हैं वो वहाँ पे जो हैं वो जाके अपने मुलाजमीन जो हैं उनको दे देती हैं, और सारी जो है उनकी याची जो हैं। तो ये होल्डिंग अगर होती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है उस इलाके में कि किस तरह वो होल्डिंग कर सकती हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट को या जो कॉमन मैन है, लेकिन ये हो रही है। दूध जो है नंबर 2 बिक रहा है, चीज़ें अगर स्मगल हो रही हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे मॉनिटर करना विद इन जो कंट्री, तो इनका बॉर्डर पे दूसरे लोगों का काम है। तो ये हिडन इन्फ्लेशन की मैंने बात की है, हिडन इन्फ्लेशन मैंने आपको क्या बताया कि वो मिकदार कम कर देती हैं, रेट भी बढ़ा देती हैं दोनों साइड्स पे। फिर एक मैंने आपको बताया पाकिस्तान में ये अंडरवेट जो है इन्फ्लेशन, अंडरवेट का मतलब है कम तोलती हैं बाट, वो चेक करने को वो चेक नहीं करते कि वो आपने जो भी ये जो रमज़ान में अगर सपोज आप लेती हैं अंगूर लेती हैं तो वो किलो की बजाय जो है वो 800 ग्राम की बजाय वो 800 ग्राम होंगे, 900 ग्राम होंगे। इसी तरह सीमेंट किसने चेक किया, आटा किसने चेक किया कि इसमें 50 kg है सीमेंट, वो उसमें भी 2 किलो कम होता है। अगर 1 किलो अगर 100 ग्राम भी एक सीमेंट के बैग से कम हो तो वो कहाँ तक फैक्ट्री वाले को बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान में यही हो रहा है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदार है जो लोकल, तो वो देखें चीनी इसमें पूरी है और इसकी क्वालिटी क्या है। अब क्वालिटी में भी आपको केला जो है मार्केट में आपने देखा होगा कि केला जो है वो उसके रेट जो है वो उसमें दर्जा अव्वल लिखा होगा, एक रेट लिखा होगा, लेकिन वो जो है वो जो बेच रहा होगा बी ग्रेड का उस रेट पर बेच रहा होगा। तो ये जो आपकी नार्कोटिक्स
शहर के अंदर जो है पोल्ट्री चर्सी जो है हर जगह पे बैठी हैं, तो नार्कोटिक्स इनको कौन सप्लाई कर रहा है, तो ये इस पे जो है फोकस करना चाहिए। इसी के साथ ही जो है आपका ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया कि 42 बिलियन जो है ये रुपीज़ जो हैं ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस की वजह से जो है हमारा थोड़ा सा वो कवर हो जाता है, जो कि वो 32 बिलियन तक वो चले गए थे। तो ये एक जो है ना ट्रेड डेफिसिट किस तरह करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन जब बढ़ेगी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और इम्पोर्ट को जो है वो कम करेंगे। एक्सपोर्ट जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अगर 50% इंक्रीज है और उसमें अगर 25% विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसकी वजह से जो है जब डेफिसिट कम होगा तो हमें कर्जे कम लेने पड़ेंगे, कर्जे कम कर लेने पड़ेंगे, तो फिर आपकी ये जो अफरात ज़र है उसकी वजह से वो जो उनकी कंडीशनैलिटीज़ हैं वो कम हो जाएगी कि टैक्स लगाओ, ये करो वो करो, और ज़्यादा ज़र की जो आपकी प्रिंटिंग का मोर मनी जो है वो भी जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आपका इसी तरह लाइफ स्टाइल जो है उसमें जो है हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन है। मसलन लाइफ स्टाइल हमारा क्या है, हमारा वावेशियस है, हम इंजॉय करती हैं, हम शहजादी हैं, हम जो नई से नई गाड़ी जो है वो कोशिश करती हैं हमारे मुल्क में, वो जो वहाँ पे कर, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट यहाँ पे ही रहा है। ठीक है, ये अमीर लोगों का है, लेकिन उसकी जब जो डिमांड होगी और आगे भी वो भाई बैठे हुए वो वहाँ पे वो कहती हैं डिलीवरी 120 डेज़ के बाद होगी, तो वो इसकी वजह से वो शार्ट करके तो वो वहाँ उसके रेट जो हैं वो गैस जो है वो हमने कोरिया की, गैस हमने अमेरिका की, गैस हमने दूसरे ममालिक की लगानी है, तो फिर हम हर शख्स जो है आजकल ये नीचे तक भी परवेज मुशर्रफ के ज़माने में जो फूड स्ट्रीट्स जो हैं बनी हैं जाके वहाँ भी, और ये सारा बेसिकली ब्लैक मनी है, और उसकी वजह से ये खासा इन्फ्लेशन में जो है वो इजाफा होता है, और कार्स नई नई हैं, मोबाइल फ़ोन्स जो है वो नए नए हैं, और ये जो है ना हमारा लाइफ स्टाइल इज़ नॉट सिंपल। हम कहती हैं महंगे से महंगे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं, ये नहीं देखते कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, वो कहती हैं नहीं ये हमने महंगा घर जो है जो खाने नहीं खाते बाहर से जो है वो, अब घर में अगर जो है मसलन मर्डन है पाकिस्तान में कि तकरीबन 1800 रुपये है, तो वो मेरा कल वो बाहर जो है 3000 की डिश मिलती है, और घर में अगर वो पकाएंगे सस्ता भी पड़ेगा और मायारी भी होगा, सेहत के साथ भी नहीं खेलेंगे, लेकिन ये लाइफ स्टाइल जो है हमें जो है वो उस पर उसे रिव्यू करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल शुड बी सिंपल, प्रोडक्टिव लोन्स वर्सेस जो हैं वो नॉन प्रोडक्टिव या कंज्यूमर लोन्स। जो बैंक कर्जे देते हैं एक वो होता है कि जो आपने प्रोडक्टिव जो है, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव। अब ये उसकी यूज़ क्या है, अगर वो अगर प्रोडक्टिव हो गया जो फर्दर इनकम जनरेट करता है, और नॉन प्रोडक्टिव वो होगा जो फर्दर इनकम जनरेट नहीं करता। मसलन एक शख्स बैंक से कार लेता है, कर्जे पे लेता है और वो उसे टैक्सी के तौर पर जाता है, तो इट विल प्रोड्यूस फर्दर इनकम, इट विल जनरेट इनकम, दिस इज एक्चुअली प्रोडक्टिव जो है फाइनेंसिंग है। और नॉन प्रोडक्टिव क्या है कि वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जिस तरह हमारे लोग करते हैं अपने लिए गाड़ी, वो नॉन प्रोडक्टिव है, 2-4 साल के बाद वो गाड़ी उसकी वैल्यू ही जो है वो कम हो जाएगी, तो ये और कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वो कोई भी, कोई सहूलत नहीं दे रहा, तो ये जो है नॉन प्रोडक्टिव। इसी तरह अगर कोई एक शख्स जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग करता है, कर्जा लेता है, तो वो प्रोडक्टिव लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो रही है, इनकम भी जनरेट हो रही है, तो वो अफराते सर कम हो जाएगा। नॉन प्रोडक्टिव का क्या, अगर वो जाके वहाँ से बैंक से कर्जा लेता है, वो कि मैंने जो है घर रेनोवेट करने हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो उसका क्या होगा, उसने प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं किया उसने, उसको एक ज़ाती इस्तेमाल, तो ये नॉन प्रोडक्टिव आपकी जो है प्रोडक्शन में इजाफा नहीं करते, लिहाजा इससे अफराते ज़र जो है आपका कंट्रोल नहीं होता। तो प्रोडक्ट उस पर जो कंज्यूमर फाइनेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए जो है हमारे प्रोडक्टिव जो है वो जो लोन्स जो हैं या फाइनेंसिंग। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो हो रही हैं इनको जो है कंट्रोल करना चाहिए, ये कंट्रोल तभी होंगे कि इन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और इन पर जो है वो बैन के। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, पाकिस्तान ने ज़मीन खरीदी, गोल्ड खरीदा और डॉलर्स खरीदे, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये एक तो ये आप छुपा सकती हैं कि कितना सोना खरीदा है और कितने बॉन्ड खरीदे हैं घरों में रखे हुए हैं, तो ये इकानमी को हार्म कर रही है, ये प्रोडक्टिव यूज़ में होने चाहिए, और रातों रात कुछ लोग अमीर हो जाते हैं उसका ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये चाहिए कि ये जब ये स्पेकुलेशन तब होती है कि ज़मीन के रेट जो है ना गवर्नमेंट ने जो टैक्स जो है वो मुकर्रर किया कि हर एरिया के अगर जो है सपोज एक सेक्टर में या एक इलाके में उन्होंने कहा है कि ये 5 लाख रुपये मर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो जो है वो बिक रही है 20 लाख रुपये मर रहा,
तो ये वहां पे वही एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि वो जाके चेक करें कि ये इतनी अगर बिक रही है तो इसने टैक्स पे किया कि नहीं, तो इस तरह ये ऑटोमेटिकली डिस्करेज हो जाएंगे। इसी तरह गोल्ड जो है वो पता होता है कि कहाँ से किसने उठाया है, जो आपके इंटेलिजेंस है, FBI की भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ काफ़ी एजेंसियाँ हैं और हम सारे दावा करते हैं कि नंबर वन एजेंसियाँ हैं, तो ये फिर इन लोगों को पकड़ना चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और वो जो है आपका इकोनॉमिक्स का भी है। ये अगर कंट्रोल होंगे तो इन चीज़ों की जिनकी में स्पेकुलेशन होती है, ये कोई भी स्पेकुलेशन किसी में भी है, ये वो शुरू कर देती हैं। मसलन वो कहती हैं कि अच्छा जी ये आइंदा जो है ये रमज़ान से पहले जो है वो होता है कि हाँ जी ये सेब के जो है वो रेट बढ़ेंगे, तो लोग वो होर्डिंग शुरू कर देती हैं। कुछ तो क्वांटिटी इन्फ्लेशन इसी तरह होता है, पहले ही वो उसको जो है सप्लाई रोक लेते हैं। तो ये इस तरह की जो है अगर स्टॉक अगर वो करती हैं होर्डिंग करती हैं तो उसको जो है इंतज़ामिया कंट्रोल कर सकती है। इसी तरह है आपका जो आपका मैंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP में इन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मेन सेक्टर सर्विसेज है, ये तकरीबन 55% से ज़्यादा जो है GDP में इसका शेयर है और ज़्यादातर लोग ये जॉब जो है इसी से जो है वो मेरे ख्याल 35 नेक्स्ट टू जो है वो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर का सेक्टर का जो है वो जो ग्रोथ जो उसका कंट्रीब्यूशन जो है ना ये 22% हो गया, पहले कम हुआ था अब ये ज़्यादा हो गया, और इंडस्ट्रियल का सिर्फ 12% रह गया और एग्रीकल्चर सेक्टर 38% लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर जो है ना वो आपका मेरा ख्याल 42% को कर रहा है। तो ये तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है, मसलन इंडस्ट्री जो है वो आपकी जो है हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने आपको बताया था जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर, मसलन टेक्सटाइल जितनी मिल्स हैं वो हैं, जितनी शुगर इंडस्ट्री है वो आपकी इधर से है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड नहीं है, सीमेंट इंडस्ट्री नहीं है जो कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं आता वहाँ से, तो ये आपकी ज़्यादा इंडस्ट्री। तो ये एक अगर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी इंडस्ट्री में भी जो है वो देखिए चीनी महंगा गन्ना कम होगा तो चीनी भी महंगी होनी है, इसी तरह कॉटन कम होगी तो आपका कपड़ा वगैरह जितने भी हैं उसे रेडीमेड गारमेंट सारे महंगे हो जाएंगे, अफरातजार आएगा। तो ये तीन सेक्टर जो सर्विसेज सेक्टर इसी तरह है, बैंक से बैंक का इंडस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ बड़ा गहरा तल्लक है, वो अगर ग्रो कर रही है तो वो प्रोडक्टिव फाइनेंसिंग कर रही है तो वहाँ पर प्रोडक्शन आएगी और अफरातजार कम होगा, अगर नहीं है तो वो तो ये इनका सर्विसेज सेक्टर भी इसी तरह है कि सर्विसेज सेक्टर आपके जो हैं वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं स्कूल्स हैं और क्लिनिक सर्विसेज हैं और आपके बैंक हैं, ये सारी आपकी जो हैं वो सर्विसेज हैं या डिलीवरी जो हैं जितनी भी ये है ट्रांसपोर्ट की ये सारी सर्विसेज हैं। तो ये जितनी यहाँ पे होगी इनका कोऑर्डिनेशन होगा प्रॉपर होगा तो हमारी इकानमी जो है ना ये बूस्ट करेगी और ये मेन सेक्टर्स है और उसकी वजह से जो है आपकी GDP भी बढ़ेगी और वो पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा बढ़ेगी। अगर चीज़ें आबादी में जितने बढ़ने से ज़्यादा यानी डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है तो अफरातजार तो नहीं होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग में जो आएगा तो ये आपका जो है इसका इस तरह। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो एनर्जी क्राइसिस है, बाहर से तेल पे जो है मैंने कहा कोयला है तेल पे भी जो है वो हमारी डिपेंडेंसी जो है लोकल जो है वो भी 70% है, कोयले की भी तकरीबन हो गई है। इसी तरह हमारी गैस भी है तकरीबन 30-40% जो है इम्पोर्टेड उस गैस पे, ये 4 बिलियन डॉलर जो है उसकी तकरीबन हमारी इम्पोर्ट कर रही है। तो ये आपकी एनर्जी क्राइसिस की सर्कुलर डेट जो मैंने लेक्चर दिया है अगर वो सुन लें उसकी वजह से बहुत बड़े इन्फ्लेशन जो है वो आपके हर सेक्टर में आया है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी उसका यूज़ है, वो चाहे डॉक्टर है इंजीनियर है प्रोफेसर है या वो सारे कहेंगे कि अच्छा जी ट्रांसपोर्ट के किराए वो बढ़ गए हैं, मकानों के किराए सारे लिंक्ड हैं। तो ये इसको जो एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने का मैंने वहाँ पे भी बताया कि आप सोलर पे जाएं विंड पे जाएं और डैम जो है लगाएं, ये सारे अगर करेंगे तो एनर्जी सस्ती होगी तो डेफिनेटली कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपकी चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और कम्पीट करेंगी चीज़ें आप जो हैं बाहर के ममालिक में भी बेचेंगे, इस तरह फॉरन ट्रेड भी जो है आपका वो आपके हक में होगा, ये सारा जो है वो। तो इसी तरह आपकी जो डिपेंडेंसी मैंने वो जिक्र कर दिया है, मेरा ख्याल है जनरेशन ऑफ इनकम, देखिए अब रातेजार का कंट्रोल देखिए बंदा अमीर तब होता है कि आमनी बढ़ाए अखराजात कम करे, तो अखराजात कम करके ऑस्टेरिटी सिंप्लिसिटी की तरफ चाहिए और दूसरा इनकम बढ़ाएं, हर शख्स ये कोशिश करिए कि वो अपनी इनकम बढ़ाए। इनकम किस तरह बनाए, मसलन अगर एक जॉब कर रहा है वहाँ से अगर 20-30 हज़ार रुपये तो दूसरी जॉब जाए फारग बैठने के, घर के जितनी जो अफराद हैं वो सारे जो फारग हैं
कोई जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो अपनी वो कर सकती हैं, जिन्होंने पढ़ा है और वो छोटा मोटा काम कर सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जो 17 स्केल में ही जाएंगे। तो ये हेल्प आउट का हमारे यहाँ डिपेंडेंसी रेट जो है ना वो फैमिली का, एक बंदा 5 बंदों को फीड करता है। और मैंने जो डाटा पढ़ा है अब वक्त के साथ साथ ये एज ग्रुप के हिसाब से मैंने कहा कि डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, चीज़ है कि ये कम होनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है। और उसकी वजह यही है कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो काम करने में हार महसूस करते हैं, घर बैठ जाते हैं, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। दूसरे जो अनपढ़ है और आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है वो वहाँ पे बैठ जाती हैं। तो ये इस तरह हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है, डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ये तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की, जिसके पास ज़मीनें हैं वो ज़मीनों को काश करने की बजाय वो शहर में आ गया है, जिसके पास नहीं है वो कहता है मैं ये तो जो शहरों में है वो कुछ मांगने पे चले गए हैं, कुछ जो है लंगर खानों में चले गए हैं। तो ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम और ये पॉवर्टी वहीं पे होती है, जो एक्स्ट्रा इनकम जो है डिपेंडेंसी जहाँ पे कम हो, जहाँ पे मियाँ बीवी हैं दोनों काम कर रही हैं वहाँ पे गुर्बत उनकी कम है। जो एजुकेटेड है जिनके पास स्किल है वो अनस्किल्ड वर्कर्स की नस्बत जो है वो बेहतर है, वो मतलब है वो उतने गरीब नहीं है। तो ये बाकायदा स्टैटिस्टिक्स है कि दोनों मियाँ बीवी अगर काम कर रही हैं और दोनों स्किल्ड वर्कर्स हैं अगर जो है उसमें से, या जो भी स्किल्ड उसकी इनकम ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कुछ स्किल सीख लें, कोई ड्राइविंग कर लें, कोई और प्लम्बर, कोई और जो है ये इस तरह के छोटे मोटे काम, तो ये अगर जो है वो उसकी वजह से आपका अफरातज़ार जो है आप जो है कम हो जाएगा। तो ये अच्छा, यह सबसे बड़ी बात जो है ना एजुकेशन जो है, और ये एजुकेशन जो है लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि देखिए ये फारग जो आप वक्त जो है गुजारती हैं, ये टाइम जो ज़ाया हो जाता है हर चीज़ वापस आ जाती है। हम कहते हैं ना जवानी नहीं आती, टाइम टाइम रिवर्ट नहीं कर सकती आप जो है, वो एक घंटा जो आप फारग बैठे हैं वो घंटा ज़ाया हो गया, दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। तो लेकिन वो घंटा जो ज़ाया हो गया वो फिर आपकी ज़िंदगी के लिए जो है वो आगे जो है वो ये मुसीबत बन जाएगी, कौमों की ज़िंदगी में भी ये जो है वो बड़ी तकलीफदेह चीज़ें होती हैं कि उनकी फिर वही अफरातज़ार और वही बेरोज़गारी और ये सारी चीज़ें जो है वो। तो ये वो एजुकेशन हमारी कि सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का नहीं है कि एक डॉक्टर है जो है वो अगर वो उसने MBBS कर लिया है तो ओके, जब तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती या मुझे जो 1 लाख की नौकरी नहीं मिलती उसे स्टार्ट कर देना चाहिए जितने की भी वो मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता वो कहती हैं द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस बट विद सिंगल स्टेप, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस बट विद अ सिंगल स्टेप, पहला कदम उठाएंगे तो फिर जो है आज ये यहाँ पे देखें ना ये बहुत सारे हम जो कहती हैं जो हमारे पठान भाई जो है ना वो छोटे से छोटा काम, ये जितने भी बैठे हैं फैक्ट्री के मालिक उनसे पूछ के देखें कि वो कहाँ से, ये बैरियर टाउन के मतलब रियाज से पूछेंगे कहाँ से राइज किया आज जो है वो पाकिस्तान में, वो मैं बिलियन नहीं है वो ट्रिलियन आ रहे जो है वो। तो ये जो है वो इसकी वजह कि उसने हार नहीं समझी और स्किल सीखें, स्किल की जो है कदर है वो अर्निंग ज़्यादा होती है, और फारग ना बैठें, टाइम जो है वो ज़ाया ना करें। तो ये हमारे यहाँ जो बच्चे हैं स्कूल से ही भाग जाती हैं लेकिन ये आगे वो फारग, वो तो ठीक है जो वर्कशॉप में चले, चाइल्ड लेबर का एक है लेकिन वो बहरहाल गुर्बत है और वो पढ़ते नहीं है। तो उन्हें मेरा ख्याल है ये भी एक जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा चाइल्ड लेबर हो रही है तो ये भी जाती है, फिर वो बच्चा ज़ाया हो जाता है तो उसे कोई 12 ना वो स्किल सीखती हैं। ड्रॉप आउट रेट हमारा जो है वो 32% से ज़्यादा है और ये इनको 12 कहीं यूज़ करे तो हमारी वो इनकम जनरेशन में वो उनका खासा। तो फॉरेन डेट का मैंने जिक्र, और लास्ट जो है मैंने आपको जो बताया था खासा टाइम हो गया है मेरा ख्याल है ये जो मैं आपको पॉइंट जो है कि अफरातज़ार को कंट्रोल करने के लिए आप जो है इंडिविजुअल लेवल पे, एक तो कलेक्टिव इंडिविजुअल लेवल पे यह है कि पूरी दुनिया में जो है वो कंज्यूमर कमेटीज हैं, जो चीज़ महंगी होने शुरू हो जाती है मसलन मुर्गी है तो वो छोड़ देते हैं, बायकॉट कर देती हैं, तो लिहाजा वो उसका यानी वो अगर वो कमोडिटी इन्फ्लेशन कर रही हैं, होल्डिंग कर रही हैं तो वो उसका तोड़ उन्होंने निकाला हुआ है। लेकिन ये डेवलप कंट्रीज की है, लेकिन पाकिस्तान में ये अब ट्रेंड चला है, अभी मेरा ख्याल है 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ता पहले ये ट्रेंड चला है कि जो फ्रूट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है महंगा हो गया था। तो इसका मेरा ख्याल है आप स्टडी तो नहीं आए लेकिन इसका ज़रूर असर जो है वो पड़ा होगा, अगर नहीं है तो ये तो है लंगर कम से कम लोगों में अवेयरनेस आई है कि इस तरह की अगर सब्जी और चीज़ें जो हैं वो महंगी अगर वो बेच रहे हैं तो वो अगर ख़रीदना छोड़ दें
तो उनकी रेट जो है वो यानी अफरात इज़दार जो है वो कम हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। मैं एक आपको और जो है कि पर्सनल लेवल पे इन्फ्लेशन को फाइट करने का जो है वो क्या तरीकेकार है, पर्सनल लेवल पे हर बंदा जो है वो किस तरह फाइट कर सकते हैं। मसलन हम कहते हैं कि आजकल इन्फ्लेशन 30% है, तो देखने में ये आया कि हम जो है ग्रॉसरी या जो दूसरी जो है हमारी जो सब वेजिटेबल्स जो है फ्रूट वगैरह यूज़ करती हैं, या ये इनकम ग्रुप डिफरेंट है ना, गरीब लोग तो वो नहीं कर सकते। मैं आम बंदा जो 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 शिकायत कर रहा है, वाइट कॉलर वर्कर जो हैं, मिडिल इनकम ग्रुप जो हैं, तो आप पहली ये बात है कि सबसे ज़्यादा शहरी एरिया में मैंने देखा है कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो किराए में इजाफा होता है। तो उसका ये तरीक़ाकार है कि ये आप वहाँ पे किराए का मकान लें जहाँ पे थोड़े से रेट मुनासिब हों, और वहाँ पे अपने जो आप जो आपका जो घर है जहाँ से, और आपका जहाँ पे जॉब कर रही हैं उनके, वो तो करीब अगर होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, और बच्चों के स्कूल के पास भी अगर हो, ये तीनों ये सारी चीज़ें आप अपने घर की प्लानिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 20 से 30% जो है आपका बजट, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि अगर लोकल मार्केट से आप जो है वो यानी जो अपनी गली मोहल्लों से जो चीज़ें ले रही हैं, अगर थोड़ी सी तकलीफ करें कि अगर आपके पास इतना पैसा है, अगर नहीं है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, आप मैंने देखा है कि 20-30% जो आपकी होलसेल मार्केट है ना वहाँ पे, चाहे कपड़े की है सब्जी की है, इतना फ़र्क होता है। तो लिहाजा वो फ़र्क आप जो है वो इस तरह ये स्ट्रेटेजी जो है इसी तरह सिंपल लाइफ जी है, मतलब आप ज़्यादा अगर आपके घर में गोश्त जो है वो यूज़ का हो रही है तो गोश्त जो है कम यूज़ करिए, अगर पहले 4 किलो है 2 किलो, और उसी जो जो उसके सब्स्टिट्यूट जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिस तरह डॉक्टर कहती हैं कि ये गोश्त और एक पालक में जो है वो क्या है न्यूट्रिशनल जो है वैल्यू एक जैसी है, तो वो आप पालक का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें। तो ये इस तरह जो है आप बच्चों को अगर ट्यूशन पढ़ाने भेज रहे हैं तो ट्यूशन ना पढ़ाएं, घरों में खुद पढ़ाएं बच्चे को जो है, अगर कपड़े धोने वाली या सफाई वाली रखी हुई है तो आपके पास टाइम अगर है तो खुद काम करेंगे, तो वो अगर 5-10 हज़ार उसे दे रही हैं तो ये आपकी बचत होगी। आपने बहुत बड़ी गाड़ी रखी हुई है मसलन, अगर शिकवा करते हैं कि अफराते जा रहा है, तो आप छोटी जो है वो गाड़ी, उसने भी 4 जो है वो पैसेंजर्स जो हैं उसकी कैपेसिटी वही है, तो ये आपके सोसाइटी पे रोब जमाने वाला कॉन्सेप्ट जहन से निकालें और ये मैनेज करें। और भी इस तरह के जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर आप वो पार्टियां लोगों की और रोज़ाना आए और देहात में जो हैं वो मेहमान जो हैं वो इधर से आ रहा है और जा रहा है, तो इसे थोड़ा सा अगर कंट्रोल करें या उनकी खिदमत खातर थोड़ी सी कम करें, तो आप दूध अगर वहाँ पे देहात में भी, तो वो आप वहाँ पे वो जानवर रख लें, किसी का ले लें, उधार ले लें, दूध भी ले लें, तो बहुत ये अल्टरनेट जो है ना वो है वहाँ पे। आप साइकिल रखें, अगर गाड़ी है गाड़ी से मोटरसाइकिल पे आ जाए, मोटरसाइकिल नहीं है साइकिल रखें, पैदल चलने की कोशिश करें। तो ये अगर सारी चीज़ें हैं तो फिर आप देखें बाज़ चीज़ों में क्वालिटी आप ये समझते हैं कि हाँ जी ये बड़ी अच्छी होती है, वो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं होता चीज़ों में। जिस तरह आप तालीमी इदारे हैं वो कहते हैं कि हाँ जी ये उन्होंने मार्केटिंग की हुई होती है, इसी तरह कोई खा रही हैं बिस्किटें खा रही हैं तो उनमें कोई क्वालिटी का इतना फ़र्क नहीं होता। तो ये आप वो महंगी चीज़ जो है वो उसके पीछे जस्ट के हाँ जी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो है शिकार है। तो ये पहले भी लोग वो करते थे मतलब वो वल भी, लेकिन ये आजकल बीमारियां हैं जो यूज़ जो है ना वो कपड़े और ये चीज़ें ये फर्नीचर, मैंने बताया 30% हमारे यहाँ ग्रोथ रेट किसका है, फर्नीचर का है, वो ज़ालिमों ये फर्नीचर जो है और हर साल अगर जो है या 2 सालों के बाद चेंज करती हैं पुराना, और उन्होंने क्या करना है, उन्होंने वही उसी पे कपड़े चढ़ा के तो उसको नया करके बेच देना है। लेकिन आप इन चक्रों में जो है वो और कोरिया का जापान का पता नहीं अमेरिका का कहाँ कहाँ का गाज जो है इम्पोर्टेड टॉयलेट जो है वो अगर घर में लगा रही हैं तो वो टेंशन तो आपको होगी, या आपकी इनकम इतनी नहीं है पास एरिया में जाके रहने की कोशिश करते हैं तो कास्ट ऑफ लिविंग तो आपकी बढ़ेगी। तो ये हर बंदे की अपनी जो जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी अपनी स्ट्रेटजी, जो गरीब की है वो भी वो उसी हिसाब से जो उसको मेरा ख्याल खासा मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक मेरा जो डिफरेंट व्यू पॉइंट है, तो किस हद तक आपने मेरा प्रोग्राम जो इंजॉय किया है, डेफिनेटली बहुत लंबा हो गया ये, लेकिन ये है भी जाहिर सी बात है टॉपिक भी इस तरह का है कि आप इस पर गेंटू बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये इसे एक यूं ही समझे कि एक मजाहिया प्रोग्राम के तौर पे ही इंजॉय किया होगा, और क्या कितना लर्न किया है ये, और मुझे फीडबैक दें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको और यसर रखे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।